दादा बेचारे जी, आप कैसे हैं? आप ठीक है? आपके भी बच्चे ठीक है? पानी पी लीजिए। रात हो गई है और पूरा खाना रेडी है और आज ऑब्वियसली सब लोग ऊपर खाने आ रहे हैं। ट्रैवल करके पहले दिन आओ तो बहुत थकान होती है, बहुत ज्यादा, तो इसीलिए आज हमने खाना बनाया मिलके बनाया। और दिन में भी दादा ने दाल चावल बनाए थे। दादा दाल चावल बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, तो आज हमने अचारी मटन बनाया। मैंने स्पेशली इसीलिए अचारी मटन बनाया क्योंकि अम्मा को अचारी मटन जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। एक बार जब उन्होंने खाया था तो उन्होंने दोबारा मुझसे बनवाया था जब वो थी यहाँ पे कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगे, तो इसलिए आज मैंने अचारी मटन खास उनके लिए बनाया है। सब खाएंगे ऑब्वियसली। और दादा ने क्या बनाया? मिक्स वेजिटेबल टेस्टी। यस, ये और अचारी मटन का दम हो गया है। मैं अभी खोलने वाली हूँ और रोटी चावल सब एक्चुअली टेबल सज चुका है, तो हम बस सबकी आने का वेट कर रहे हैं। चलो चले। सो गए बेटा, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि सारे लोग मोहदहा से मुंबई आ चुके हैं और दीपिका इब्राहिम की सासू माँ भी मुंबई मोहदहा से मुंबई आई, तो दीपिका इब्राहिम ने उन्हें एक कीमती सा गिफ्ट दिया, पर कुछ अच्छा करने के चक्कर में भी दीपिका इब्राहिम ट्रोल हो गई। ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल करना नहीं छोड़ा। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में दीपिका के देखा होगा कि उन्होंने अपनी मम्मी को दिवाली पर एक महंगे से तनिष्क के डायमंड ईयरिंग गिफ्ट किए थे और उनको ये खुद की इच्छा से किए क्योंकि उन्हें अपनी मम्मी को गिफ्ट देना था, तो उन्होंने उसके बाद अम्मी के लिए भी गिफ्ट लिया था क्योंकि वो दोनों माओ को एक बराबर समझती हैं। पर ट्रोलर को तो कुछ बोलने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने दीपिका इब्राहिम को ट्रोल किया कि उन अम्मी के लिए गिफ्ट इसलिए लिया उन्होंने अपनी सास के लिए क्योंकि उन्होंने अपनी मॉम के लिए गिफ्ट लिया था, बट ऐसा नहीं है। दीपिका इब्राहिम हमेशा अपनी सास को कुछ ना कुछ देती ही रहती हैं और वो बहुत ही अच्छी बहू हैं, बट ट्रोलर्स हेटर्स उनको बुरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमेशा कोई ना कोई बात वो ट्रोल करने के लिए ढूंढते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दीपिका इब्राहिम ने हमेशा अपनी सास की कमियों को हमेशा पूरा किया है, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है क्योंकि वो जानती हैं अम्मी कमाती नहीं है।